काफ़ी खुशी का माहौल है आज 30 दिन के रमजान के बाद आज ईद है तो काफी बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक कर देना, छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम सपोर्ट। वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज सभी को पता है कि आज है क्या, सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक, हैप्पी हैप्पी ईद मुबारक। तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे नमाज का टाइम होने वाला है, मतलब 7:30 बजे टाइम रखा गया है और हम लोग जल्दी से जाकर रेडी हो गए। अभी हम नहा धोकर आ गए हैं, अभी जो है नमाज का जो ड्रेस है, खान ड्रेस जो है पहनना है, तो जल्दी से उसे पहनते हैं और रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं ईदगाह की तरफ। तो पूरा मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कैसे जाते हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं, तो पूरा मैं आपको दिखाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम यहाँ पर ड्रेस को चेंज कर रहे हैं दोस्तों। फाइनली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे खान ड्रेस यहाँ पे पहन के रेडी हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी 6:55 हो रहा है, यानी 7:05 बाकी है। जल्दी से हम लोग यहाँ पे निकलते हैं ईदगाह की तरफ और सबको दिल से हैप्पी ईद मुबारक। आज ईद का दिन है तो बहुत ही खुशी का दिन है, तो आपको जो होगा सो मैं आगे दिखाऊँगा ईदगाह में, मतलब कैसे क्या होता है सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। थोड़ा बहुत होगा, मैं क्लिप में आपको दिखा दूंगा। बाकी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब लेना। बाकी हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं पहन कर रेडी हो चुके हैं। अभी जो है टोपी लगाना भूल गया तो अभी लगा लेंगे, तो चलते हैं निकलते हैं बाहर। यहाँ पे हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे टोपी लगा लिए, सोचा यहाँ पे इतर भी लगा लूँ थोड़ा, तो यहाँ पे इतर लगा लेते हैं। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वाला इतर है, जो है ये बेल वाला है इतर। तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे डेली ब्लॉग अगर मैं अपने चैनल पे लाऊं तो डेली ब्लॉग भी मैं अपने लाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो ठीक है, तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकलते हैं अब घर से जल्दी से, और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं बाहर। तो सब कुछ रेडी हो चुके हैं अब यहाँ पे, और निकल रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं वेट कर रहे हैं बाहर। एक जान पहचान में लाइक मार देता धान मिस होते था बहुत होगी। Wow.
कुर्बानी करके वो आगे के सब में पहले आकर बैठे, आगे जगह है पहले आगे आगे आसानी होगी। नहीं चलो चलो ना ना तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सब लोग आ चुके हैं ईद की नमाज पढ़ने, जो मैं आपको कल दिखाया था कि टेंट लग रहा था ईदगाह में, यहाँ पे लग चुका है। देखो बैक कैंपस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं अंदर का सीन। वहाँ पे इमाम साहब का यहाँ पे देख सकते हैं, आगे मैक लगा हुआ है, यहाँ पे इमाम साहब का मैक लगा हुआ है देख सकते हैं। हम लोग का ईदगाह जो है बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, उसिया का ईदगाह बहुत ही बड़ा है यहाँ पे देख सकते हैं। उधर से भी सारा गेट खुल चुका है और यहाँ पे टेंट लग चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारे राजू भाई इलेक्ट्रीशियन देख सकते हैं एकदम एकदम दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट टाइम है जो है ना जमात खड़ा होने में। अभी वहाँ पे चंदा इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इमाम के पास चंदा इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे देख सकते हैं अभी 10 मिनट टाइम है जमात खड़ा होने में। अभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही भीड़ जमा हो चुकी है, बहुत ही ईदगाह में पूरा इतना बड़ा ईदगाह फिर भी यहाँ पे आदमी से बहुत ज़्यादा भर जाता है, बाहर रोड पर नमाज पढ़ना पड़ता है देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट टाइम है, तो नमाज होने के बाद मैं आपको पूरा दिखाता हूँ सीन यहाँ का। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टाइम हो चुका है 7:30 और यहाँ पे भीड़ बहुत ही जमा हो चुकी है यहाँ पे ईदगाह के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग आ चुके हैं, अभी रास्ते में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर के पास यहाँ पे पैसा जो है चंदा इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी भीड़ जमा हो चुकी है, अभी कुछ लोग रास्ते में और लोग आ रहे हैं। 7:30 हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 7:30 हो चुका है, अब इस जमात खड़ा होने वाले हैं देख सकते हैं। इस साल हम लोग 3-4 साल के बाद हम लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने आए हैं, जब जमात खड़ा होने वाली है। मेरे बड़े ही मोहतरम और इस तकी में इस बात का ख्याल रखें कि जो छोटे बच्चे हों उनको कम से कम सफ़ों के बिल्कुल किनारे कर लें और बड़े हजार सफ़ों के बीच में रहें। सफ़ों की इज्तिमाइयत की और सफ़ों की सीधे होने की बड़ी ताकीद आई है, इससे नमाज तकमील होती है, नमाज मुकम्मल होती है। लिहाजा बरहम और गानी सफ़ों को दुरुस्त कर लें
और अपने दरमियान से छोटे बच्चों दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नमाज ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी भीड़ था यहाँ पे देख सकते हैं ईदगाह में, और नमाज ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग जाएंगे घर और यहाँ पे सेवई वही खाया पिया जाएगा। और 30 दिन के रमज़ान के बाद आज ईद है, काफ़ी बहुत खुशी का माहौल है, काफ़ी खुशी का माहौल है। आज 30 दिन के रमज़ान के बाद आज ईद है तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ था और यहाँ पे नमाज ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं नमाज ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब ईदगाह से बाहर और पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। घर जाते हैं हम लोग जल्दी से, सेवई वही खाते हैं। कर दिया तो चलिए चलते हैं हम लोग ईदगाह से बाहर। अब हम लोग जल्दी से अपना जो है चप्पल ले लेते हैं, चप्पल हम लोग निकाले थे। यहाँ पे हम लोग चप्पल दिए थे रखने के लिए, यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली नमाज ख़त्म हो चुकी है और हम लोग तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे घर आ चुके हैं। ईद का नमाज वमाज पढ़ के और जा रहे हैं हम लोग अब सेवई पीने और सेवई खाने। और यहाँ पे बहुत ही गर्मी होने लगा, गर्मी का मौसम था और जो ईदगाह में जो है टेंट लगा था तो हम लोग यहाँ पे टोपी को भी यहाँ पे उतार देते हैं। हम लोग नमाज वमाज पढ़ लिए और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग जो है ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और यहाँ पे जा रहे हैं हम सेवई पीने। बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है क्योंकि रमज़ान का महीना जो है ख़त्म हो चुका है और 30 दिन हम लोग पूरा रोज़ा रहे। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा और आज ईद है फाइनली, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।